नमस्कार दर्शक मित्रों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि परसों रात को अवरपुर गांव के भीमा पर्वत के भागी के खेत में किसी ने गेहूं जला डाले, तो इस मामले में बातचीत करने हमारे साथ आज मौजूद है अवरपुर गांव के ग्राम पंचायत अग्निशमक मंत्री। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। तो मंत्री जी, ये घटना कैसे घटी? घटना तो जो घटती है ना, इसे घटती है तो जो गांव है वो जला है तो किसी ने जलाया होगा। घटना तो ऐसे ही घटती है ना, ऐसे घटना तो ऐसे ही घट गई। हम परसों रात ओटा ऊपर बैठे थे तो अंधेरे में कुछ ज्वालाएं दिखाई, तो हम बधाए यहां से ओटे से भागा। थोड़ते थोड़ते गया तो जो भीमा पर्वत है उसका खेत में गेहूं जल रहा था, तो सबने उसको ठारने की कोशिश की लेकिन उसमें कुछ रहा नहीं था, सब जल गया था। किसी ने जलाया होगा, भगवान जले जला रहे, जलाने वाले तो जलाते होंगे, कुछ न कुछ जलाते रहेंगे। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि यह घटना नहीं घटनी चाहिए थी, ये दुखद घटना है, मैं कंटेप करता हूं उसको, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप इस घटना को किस नजर से देखते हैं? क्या देखते हैं, किस नजर से, आप किस नजर से देखते हो? सब लोग ऐसे ही नजर से देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ है, बहुत खराब नजर से देखते हैं लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं ऐसी नजर से देखता हूं, मैं ही आदमी हूं ना, तो जो सब आदमी इस घटना को देखते हैं तो मैं भी इसी नजर से देखता हूं इसे। तो अब तक इसकी जांच पड़ताल में क्या कोई नतीजा निकला है? हाँ निकला है ना, 3 दिन से जांच पड़ताल चल रही है, उसमें हमारे गांव की पुलिस लगी हुई है और जो जिला प्रशासन है उसकी कुछ खुफिया टीम, उसके एक किसने किया, कुछ जो स्थल पर से एविडेंस वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इसने बाकस मिली है, एक जहां घटना घटी वहां से एक बाकस मिली है और आधी जली हुई दीवाले मिली है, तो उसको यहां से जब्त की और वो पब्लिक डोमेन में ना आए इसलिए उसको खुफिया रखी गई है। और बारोबार बिन सत्तावारिक मेरे पावर से, मैंने जिस कंपनी ने वो बाकस बनाई है क्योंकि उसका हथियार के तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो उसको बारोबार हमने नोटिस भेज दिया है। किसी को पता नहीं, वो हम उसकी जिम्मेवारियां लेते हैं, हमें है ना। तो आपको क्या लगता है इस मामले में कसूरवार को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा टाइम लगेगा, लोग लगे हुए हैं, हमारे गांव के कुछ खुफिया एजेंसी है वो लगे हुए हैं, जिला प्रशासन है, तालुका प्रशासन है और उसका दायरे में जो आएगा पुलिस है, वो कुछ कुछ ऐसी प्राइवेट एजेंसी भी लगी हुई है, आएगा वो तो पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी और न्यायालय है, सबको उस पर विश्वास है, वो सजा भी देगी, देनी पड़ेगी ना, सजा देगी, पकड़ जाएंगे, वो तो चलती रहेगी जांच, चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है इस मामले में, इस घटना में के पीछे क्या कोई विदेशी ताकतों का हाथ है या कोई ऐसे फंडिंग का हाथ है? कुछ हुआ होगा 100%। मेरा ऐसा मानना है कि जो बाकस मिली है तो ऐसे तो नहीं आई होगी उड़कर, उसका फंडिंग हुआ होगा कि उस शख्स जिसने वो बुरा काम किया है उसने वो बाकस की खरीदी की है, तो वो फंड कहां से आया? वो भी ये जो घटना घटी है ना उसका कई और कॉर्नर से और तरीके से उसकी जांच, विदेशी फंडिंग है, कोई विदेशी ताकत का हाथ भी हो सकता है,
यदि इस जांच में ये निकला कि वो विदेशी ताकतें और विदेशी फंड उसमें काम कर रहा है, तो इस मसले को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, हम खड़े होंगे, मैं साथ में रहूंगा, लेकिन भीमा पर्वत का भाग्य जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, यह बात है, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, जो उसमें कसूरवार होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जांच तो चलती रहेगी। ये थे अवरपुर ग्राव के ग्राम पंचायत अग्निशामक मंत्री जिसने पूरी बात का हमको ब्यौरा बताया, और ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गामड़ाना ओटले थी, धन्यवाद।